दिया था, इसलिए बताया था कि हम सुबह उठ के ब्रश करते हैं, नहाते हैं, अच्छे से कपड़े पहनते हैं और हमें बाथरूम काटना चाहिए, हफ्ते में एक बार बाल बनाने चाहिए, खाना हेल्दी खाना खाना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए और प्रॉपर नींद लेनी चाहिए, और उसके बाद यदि कभी बीमार पड़े तो डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यहाँ तक तो अपन ने कम्प्लीट कर लिया था। अब नेक्स्ट है इसमें और भी बहुत सारी इसमें हैबिट्स बताइए जो हमें अपनानी चाहिए, जैसे रिमेम्बर टू कवर योर नोज एंड माउथ बाय स्नीजिंग एंड कफिंग। जैसे आपको खांसी आती है या छींक आती है तो उस समय आपके नोज को कवर करना चाहिए रुमाल के साथ में, या अपने पास रुमाल नहीं है तो हाथ से अपन को कवर कर लेना चाहिए, यानी वो किसी के ऊपर ऐसे छींकना नहीं चाहिए, वो बैठे भी होती है ना। ऑलवेज यूज ए हैंडकरचीफ टू वाइप योर नोज, और नाक साफ करने के लिए हमेशा रुमाल का यूज करना चाहिए। छोटे बच्चे क्या करते हैं, ऐसे ऐसे साफ कर देते हैं, गंदी बात होती है ना। नहीं, आपको रुमाल हाथ में रखना चाहिए अपनी नाक साफ करने के लिए, ठीक है। मम्मा को भी बोलना चाहिए कि हमें रुमाल दो, ठीक है। वॉच टेलीविजन फ्रॉम ए सेफ डिस्टेंस, वॉचिंग टेलीविजन फॉर ए वेरी लॉन्ग टाइम इज बैड फॉर आइज, और बिल्कुल पास से घुस के टीवी नहीं देखना चाहिए। छोटे बच्चों की क्या हालत होती है, सबसे आगे चेयर लगा के बैठ जाते हैं और टीवी देखते हैं, वो गंदी बात है। आपको थोड़ा दूर से टीवी देखना चाहिए जिससे आपकी आंखों में असर ना हो, नहीं तो आंखें खराब हो जाती है ज्यादा पास से टीवी देखते हैं तो, है ना। इसलिए टीवी भी दूर से देखना चाहिए। स्प्लैश कोल्ड वाटर ऑन योर आईज व्हेन यू गेट अप फ्रॉम स्लीप, जब सो के उठते हो ना तो अपनी आंखों को ठंडे पानी से धोना चाहिए, उससे क्या होती है आंखें रिलैक्स हो जाती है, जिससे आपकी सुस्ती आंखों में रहती है ना तो सुस्ती उससे दूर हो जाती है। इसलिए ठंडे पानी से आंखों को धोना चाहिए जिससे आंखों को आराम मिलता है। फिर वॉश योर हैंड बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील, खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद हाथों को अच्छे से साबुन से धोना चाहिए। फिर एंड फेस व्हेन यू कम बैक फ्रॉम द प्लेग्राउंड, और जब आप प्लेग्राउंड से खेल के बाहर से आते हो गुलमती में सने हुए होते हो ना, तो अपन को क्या करना चाहिए, अपना मुंह भी धोना चाहिए, पैर भी धोने चाहिए, हाथ भी धोने चाहिए, अच्छे से साफ करना चाहिए अपने आप को। वी हैव फ्रेश एंड क्लीन क्लोथ, और साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि धूल मिट्टी में हो जाते हैं प्लेग्राउंड में खेल के आते हैं कपड़े, तो वो भी साफ करने चाहिए और वो साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। डू नॉट पुट एनीथिंग इनसाइड योर नोज और ईयर, अपने कान में या नाक में कुछ भी ऐसी चीज नहीं डालनी चाहिए जो आपके नुकसानदायक हो। जैसे कुछ बच्चे होते हैं सीगड़ी कैसे कान में डाल लेते हैं तो वो नुकसान हो जाता है ना, कान का पर्दा फटने का डर रहता है और नाक में भी खून वून आने का डर रहता है। इसलिए कभी भी अपने कान में नाक में ऐसे उल्टी सीधी कोई भी चीजें नहीं डालनी चाहिए। अब इसमें हेल्दी बने रहने के लिए डेली रूटीन बताया क्या है कि डेली रूटीन आपका कैसा होना चाहिए, आप दिन भर में आपको क्या करना चाहिए। वेक अप व्हेन द सन शाइन, जब सूरज उगता है उस समय आपको उठना चाहिए जल्दी। यूज द वॉशरूम, ब्रश योर टीथ, और इसमें देखो वापस से वही सब बातें बताइए जो शुरू में थी कि आपको वॉशरूम जाना चाहिए सबसे पहले, फिर दांतों को ब्रश करना चाहिए, फिर एक बार फिर नहाना चाहिए साबुन से और पानी से, अपने आप को सुखाने के लिए टॉवल से पहुँचना चाहिए। वेयर टीडी क्लॉथ एंड कॉम योर हेयर टू एंड दैट लाइक ए नाइस एंड स्मार्ट यू, और बालों को सुखाने के बाद अच्छे कपड़े पहनने चाहिए साफ सुथरे और कंघा करना चाहिए बालों में, जिससे क्या होगा आप स्मार्ट और सुंदर दिखोगे, है ना। हैव ए हेल्दी ब्रेकफास्ट टू स्टार्ट ए ग्रेट ग्रेट डे, और अच्छा सा हेल्दी नाश्ता करना चाहिए अपने आप को फिट रखने के लिए। नाउ यू बिकम रेडी टू स्टडी लर्न एंड प्ले, और उसके बाद आप बिल्कुल तैयार हो जाते हो ताकि पढ़ने के लिए खेलने कूदने के लिए, ठीक है। तो ये सब क्या था आपके हेल्थ के बारे में इसमें बताया हुआ है, और कुछ नहीं है इसमें, बस यही है कि आपको कैसे हेल्दी रहना है, आपको क्या क्या करना है हेल्दी रहने के लिए, और आप साफ सुथरे कैसे बने रह सकते हो। अब मैं इसकी क्लियर द ग्लेस आपको करवाऊंगी और ये इसकी पिक मैं आपको डाल दूंगी, तो इस काम को आपको करना होगा, ठीक है। अभी अभी जितना मैंने समझाया इसको समझना, एक बार वीडियो समझ नहीं आता तो दोबारा देखना, इसीलिए मैं बार बार यही कहती हूँ कि आप छोटे बच्चे हो अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, पर धीरे धीरे कोशिश करिए समझने की। थैंक यू।